हेलो फ्रेंड्स, हमारे कार के जो ग्लासेस होते हैं, इन ग्लासेस पे कभी कभी हम ना समझी में या फिर नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की फिल्म गाड़ी के ऊपर लगवा लेते हैं। एक्चुअली में ये लीगल नहीं है कि हम गाड़ी के ग्लासेस पे कुछ फिल्म लगाएं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी अंदर से कम हो जाए, बाहर से देखने वाला अंदर देख ना पाए। ये एक सही तरीका नहीं है। एक्चुअली में ये फिल्म हमको लगानी नहीं चाहिए। अगर आपने लगाई ली है तो इसको निकालेंगे कैसे? लेकिन निकालने का सही एक तरीका मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। और एक्चुअल में निकालने के बाद भी क्या होता है, देखिए निकालने के बाद कुछ इस तरह के मार्क्स रह जाते हैं। ये जो फिल्म लगी होती है हमेशा अंदर की तरफ से लगी हुई होती है। अब इसको रिमूव करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको ग्लास को हल्का सा डाउन कर लेना है इस तरह से। अब ये डाउन करने के बाद देखेंगे आपको ये लाइनिंग दिख रही है और ये इसके ऊपर फिल्म है और इसके पीछे जो दिख रहा है ये है इसका ग्लास। ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये लाइनिंग यहाँ से नीचे शुरू होती है फिल्म और इससे ऊपर का हिस्सा ये ग्लास है। अब इस ग्लास को हमको, ग्लास से फिल्म को हटाना है। फिल्म जो निकलेगी कुछ इस तरह से निकलेगी। किसी भी एक कॉर्नर को लीजिए, ये कॉर्नर है, इसको हल्का सा ग्लास को चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। कोई भी एक निडिल या कोई भी एक पॉइंट जैसा आपको चाहिए इस तरह से। ये इससे इतना बस सुटा लेना है हमें जिससे कि हम लोग को इसको पकड़ने में आसानी हो। अब देखिए मैंने इतना निकाला इसको, लेकिन अभी भी फिंगर से मैं इसको पकड़ नहीं सकता। थोड़ा सा और इसको रिमूव करूंगा यहां की तरफ से और ये देखिए लगभग इतना आ गया ये। अब ये इतना मैं इजीली यहां से पकड़ सकता हूं और इसको पकड़ के खींच सकता हूं। तो अभी क्या करना है, सिंपल दोनों साइड से पकड़ना है और इस तरह से कुछ ये देखिए, और इसको ऐसे रिमूव करना शुरू करेंगे। रिमूव करते समय ये बात ध्यान रखिए कि इवन प्रेशर लगना चाहिए। अगर कहीं एक तरफ प्रेशर आपका जाता है तो क्या होगा कि बीच से फट जाएगी, फिर बीच से आधी फटेगी, फिर बार बार निकालनी पड़ेगी। अभी देखिए मेरी पूरी एक साथ में निकल के आ रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल बराबर प्रेशर लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसको रिमूव करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से जैसे आएगा फिर इस तरह से करना है। ग्लास को जरूरत पड़े तो आपको फिर ऊपर कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट कॉर्नर पे आ गया। ये देखिए थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने इस तरह से। अब मैं फिर इसको निकालना शुरू करूंगा यहां से। ये देखिए ये बीच से देखिए फटने लगी थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, उसको चलिए अब निकल गई है तो बाद में निकालेंगे। फिर भी कोशिश की हमने कि पूरी तरह से इसको एक ही बार में रिमूव करें। ये इतना हिस्सा इसका रह गया थोड़ा सा ये यहां से। अभी देखिए ये फाइनली ये सारी चीजें तो निकल जाती हैं। देखिए ये मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ की पूरी फिल्म रिमूव हो गई। फिल्म रिमूव करने के बाद जो स्टिकनेस है, ये जो आप देख रहे होंगे पीछे से ब्लर दिख रहा है आपको, ये स्टिकनेस को रिमूव करना है हमको। ये कि एक पॉइंट बचा हुआ था, ये पॉइंट भी मैंने निकाल दिया यहाँ से और उसी तरह से सिंपल एक पॉइंट बनाया और वहां से पकड़ के खींच दिया, ये बाहर आ गया। इसको निकालना तो चलिए ठीक है, बता दिया मैंने आपको, ये वाला कॉर्नर भी निकाल दिया। स्टिकनेस को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टिकनेस पे अगर कुछ और भी अप्लाई कर देंगे तो उससे फिर क्या होगा, ये और ख़राब हो जाएगा। अगर हम सोचें कि नहीं थिनर लगा लेंगे साफ हो जाएगा, तो वो इतना इजी कोई तरीका है नहीं। सबसे बढ़िया ये है कि आप इसको देखिए रिमूव कीजिए और रिमूव करने के बाद सोपी वाटर लीजिए, क्योंकि ये जो ये स्टिकी है पूरा हाथ लगाएंगे तो इसमें चिपक रहा होगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जितनी भी डस्ट वगैरह होगी वो धीरे धीरे इसके ऊपर जमने लगेगी। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं ले रहा हूँ देखिए ये ग्लास क्लीनर है स्प्रे बोतल में मेरे पास। आपको चाहिए तो आप डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हैं या फिर शैम्पू यूज कर सकते हैं। करना क्या है देखिए, सिंपल स्प्रे करना है इस पूरे एरिया पे, जहाँ पे जितना भी स्टिकनेस आपको दिख रही है इन सब पे स्प्रे करना है। और ये देखिए एक माइका का पीस है, जो वुड के ऊपर हम लोग माइका लगाते हैं वो पीस लिया है मैंने। आपको चाहिए तो अगर कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग घर में पुट्टी वगैरह अप्लाई करने के लिए जो एक स्ट्रिप आती है वो स्ट्रिप भी ले सकते हैं, ब्लेड भी ले सकते हैं, लेकिन ब्लेड को थोड़ा सा संभाल के चलाना होगा कि उसके साइड से ऐसा स्क्रैच ना बने। तो ये देखिए इसको भी मैं चला रहा हूँ तो इतना ग्लू, ये देखिए जितना भी ग्लू था ये सारा ग्लू इस पर निकलने लगा यहाँ पे, ये देखिए। इसी तरह से हमको सारे विंडोज पे ऐसे करना है, जहाँ पे भी हमने निकाला होगा उस एरिया पे इसको अप्लाई करके और इसको सिंपल ऐसा निकाल लेना है। इसको निकालने के लिए देखिए कॉर्नर का ध्यान रखिए कि जब मैंने इसको फिंगर से प्रेस किया तो बीच में प्रेशर ज़्यादा दिया, साइड का कम रखा। क्यों? क्योंकि साइड का कॉर्नर थोड़ा सा ऊपर हो जाए, कॉर्नर्स जितने आते हैं ग्लास में स्क्रैच आती है। ये देखिए ये निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करता हूँ। इससे पहले मैंने देखिए ये ग्लास क्लीनर किया, लेकिन अब ये देखिए डिटर्जेंट मैंने पानी में घोला और इस स्प्रे बोतल में भर लिया। स्प्रे बोतल में भरने के बाद सिंपल यहाँ स्प्रे किया, ये देखिए इस तरह से। और ये वही माइका का पीस, माइके के पीस से मैंने इसको सिंपल ऐसे रिमूव करना शुरू किया। सेम बिल्कुल वैसा ही है, जबकि डिटर्जेंट से जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। ये देखिए मैंने इसको सिंपल स्प्रे कर दिया वहाँ पर और ऐसा इसको रिमूव किया।
अब मैं ग्लास को क्या करता हूँ, टिश्यू से क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करके दिखाता हूँ कि कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं आई है, और मैंने इसको बहुत अच्छे से जितना भी ग्लू था यहाँ से निकाल दिया। लेकिन हाँ, ये बात आप ध्यान रखिए, कभी भी इसको चलाते समय ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो साइड के कॉर्नर को देखिए, साइड के कॉर्नर ऐसे टकराने नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि ग्लास में स्क्रैचेस आ जाएंगी। तो अभी देखिए मेरे ग्लास में कोई स्क्रैच नहीं आई है, और बहुत इजीली मैंने इसको सारे ग्लास में से फिल्म को रिमूव कर दिया है। और आपके पास ये फिल्म रिमूव करने का कोई इससे भी इजी तरीका या फिर कोई आसान तरीका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई और टिप्स भी है अगर आप देना चाहते हैं तो वो दीजिए, फिर उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, ट्राई करके बाकी लोगों के साथ वो चीजें शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।